हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो माय नेम इज हार्दिक और मैं एक प्रोसेस कंसल्टेंट हूँ। काफ़ी दिन हो गए आप सभी लोगों से बात करके एक नया वीडियो बना के, और इसके जिम्मेदार आप ही हो। आप इसीलिए हो बिकॉज जो हमने वीडियो सीरीज पहले की थी वो देख के हमें बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत सारी इंक्वायरीज हुई। एंड आई वांट टू गिव यू अ गुड न्यूज, अब हम सिर्फ बॉम्बे में कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम बॉम्बे के बाहर भी कंसल्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर ओपनिंग अप अ रीजन, वी आर कमिंग वेरी सून इन सूरत। सो ऑल द एंटरप्रेन्योर जो भी बिजनेसमैन है सूरत में, वी वुड लव टू मीट यू एंड हेल्प यू ग्रो योर कंपनी एंड प्रोपेल योर कंपनी टूवर्ड्स ग्रोथ। सो एनी वेज, कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आज मैंने सोचा कि यू नो वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो सीरीज अगैन बिकॉज अब मेरे पास थोड़ा सा वक्त है। तो हम ये करने वाले हैं, हम वी लॉग जिसको बोलते हैं, हम वो करने वाले हैं। ऑब्वियसली एजुकेशनल वीडियोज विल बी विथ द वी लॉग, बट मैंने सोचा it will be nice if I can share with you whatever happens during the course of my working day. मतलब मेरे काम करने के पूरे दिन में ऐसा क्या होता है और ऐसी कौन सी मीटिंग्स में मैं जाता हूँ और वहाँ पे मुझे क्या समझ में आता है और मैं क्या उनको एडवाइस करता हूँ। आई थिंक इफ आई कैन शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू फाइन गाइज यू विल बेनिफिट। सो आज का पहला वीलॉग है और मैं आज जा रहा हूँ एक मीटिंग के लिए। एक हमारे क्लाइंट हैं जो हमारे साथ कम से कम आई थिंक अराउंड 8 मंथ्स हो गए हैं उनको हमारे साथ रह के, और आज मेरा रिव्यू है ऑफ वॉट एवर दे आर डूइंग एंड जहाँ पे भी तकलीफें आ रही हैं हमको एग्जीक्यूट करने के लिए, हम वो तकलीफों के बारे में बात करेंगे और वहाँ से हम उनको सॉल्यूशंस देंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप प्रोपेलिंग। सो गुड इवनिंग अगेन, मेरा नाम हार्दिक है। जैसे हमने बात किया था, ये मेरा पहला वीलॉग है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि क्लाइंट के एंड पे हम जैसे मैं पहुंचा एंड वी वेंट इनटू डिस्कशंस एंड रिव्यूइंग, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और आदत नहीं है वीलॉग इस तरीके से वीडियो बनाने की। सो एक्सक्यूज मी ऑन दैट। हाउएवर दैट बीइंग सेड, लेट मी टेल यू कि आज के दिन में हमने क्या किया और जो भी हमने वहाँ पे डिस्कशन किए वो डिस्कशन क्या थे। सो ये क्लाइंट के पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे आप सभी लोगों के पास होंगे। ये क्लाइंट के हर एक डिपार्टमेंट में हमने एक ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। नाउ लेट मी टेल यू ये ट्रैकिंग सिस्टम मतलब क्या। ट्रैकिंग सिस्टम यानी सपोज अगर आपको लीड्स आ रही है तो यू शुड ट्रैक द लीड्स एंड अंडरस्टैंड व्हेन द लीड्स आर फॉलोड अप, उसको कब फॉलो अप कर रहे हैं। अगर वो लीड कन्वर्ट हो रही है तो जिस दिन आई थी और जिस दिन कन्वर्ट हुई उसके दौरान कितना टाइम है, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सेल्स साइकिल। यू शुड ऑल्सो ट्रैक रीजन्स कि अगर ये लीड कन्वर्ट नहीं हुई तो क्या कारण से आप मिस कर गए। क्या आपका प्रोडक्ट सुपीरियर नहीं था, क्या आपने फॉलो अप ढंग से नहीं किया, या प्राइस वाज द फैक्टर, एंड इफ प्राइस वाज द फैक्टर व्हाट डिड द क्लाइंट अल्टीमेटली परचेस, बिकॉज कुछ तो खरीदा होगा उसने। और अगर उसने कुछ नहीं खरीदा है, ही जस्ट गेव अप ऑन द डिसीजन ऑफ बाइंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, दैट मीन्स इज वॉज दैट अ राइट क्लाइंट। सो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं ट्रैकिंग सिस्टम से। हमने ट्रैकिंग सिस्टम्स बनाए बनाए थे, वो रिव्यू किए लीड के लिए, परचेस के लिए, उन लोग वेंडर्स के पास से मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। ट्रैकिंग सिस्टम पॉइंट नंबर वन, वेरी वैलिड, डू यू ट्रैक एवरी एक्टिविटी इन योर बिजनेस, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड टुडे। सेकंड थिंग जो हमने किया, जैसे कोई भी बढ़ते बिजनेस में होता ही है कि हमको एक सचिन तेंदुलकर मिल जाता है एंड देन फॉर एवरीथिंग वी गो टू दैट पर्सन। ये कंपनी में भी कुछ इसी तरीके से था। जब हम इनफैक्ट रिव्यू में गए, एंटरप्रेन्योर का सिस्टम चालू नहीं हो रहा था, एंड ही कॉल्ड द सेम गाय। हमने बोला कि ये ट्रैकर्स कौन भर रहा है, तो उन्होंने बोला ये बंदा भर रहा है, सेम गाय। जब भी कॉफी मंगवानी थी तो उसने बोला ओके लेट मी टेल हिम, ही विल नो। जब खाना मंगवाना था, लेट हिम टेल हिम। तो मतलब वो क्या है, वो आपके कंपनी का सीईओ है, वो आपके कंपनी का बावर्ची है, आपके कंपनी का एडमिन रिसोर्स है, अकाउंट्स है, आईटी मैन है, क्या है, वो सब कुछ है।
जस्ट इमेजिन कीजिए, किसी ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कभी उसको कुछ हो गया, बीमार हो गया, या ही गेट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी और वो ही मूव्स ऑन, हाउ विल यू फंक्शन योर बिजनेस? सो द सेकंड पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड इज वी वांटेड वन हेड ऑन ईच डिपार्टमेंट. बाय द वे, ये एक बंदा होने की वजह से एक गड़बड़ भी हो रही थी. गड़बड़ ये हो रही थी कि वो बंदा आप बोल रहे हैं कि ओके आई कांट डू सो मेनी थिंग्स, तो मैं ये ट्रैकर तो भर दूंगा पर उसके रिपोर्ट्स मैं नहीं भेजूंगा. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग. ट्रैकिंग इज सिंपली इन यू नो डेटा फीडिंग एंड इट इज इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उसकी जो उससे बाहर जो निकलता है दैट इज यूजेबल डेटा. अगर वो यूजेबल डेटा आपको नहीं मिल रहा है तो फिर ट्रैकिंग करके कोई मतलब नहीं है. और ये यूजेबल डेटा निकालने के लिए ये बंदा रेडी नहीं था बिकॉज ही वॉज डूइंग टू मेनी थिंग्स. सो वी डिसाइडेड दैट वी विल हैव हेड्स in the company, and there are four different recruitment heads that heads that we are wanting to recruit. अब ये point पे तीसरी एक बात जो हमारे सामने आई कि should we recruit new people or should we promote the existing ones and get them to the new role. अब ये point पे we decided that we will recruit new ones. And I think it was a right decision because ऐसी काफ़ी companies हैं जो हमने देखी है जो पहले एक you know they used to do about a crore, they went up to 5 crores and the same people grew when the company, मतलब वही लोग जो 1 करोड़ पे थे वही manager बन गए 5 करोड़ की company के लिए. अब वो company ने हमारी consulting ली, they went on to 20-25 crores of turnover, और वही जो लोग हैं management ने decision लिया कि वही लोग जो हमारे साथ 1 करोड़ पे थे और 5 करोड़ पे थे उन्हीं लोगों को हम अब VP बना दें. Now understand this, जो एक बंदे को manage कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि वो 5 बंदे को मैनेज कर सके, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो 50 बंदे को मैनेज कर सके. सो एट सम पॉइंट उसकी जो बैंडविथ है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है. इन दैट केस यू शुड ऑलवेज रिक्रूट न्यू पीपल ओवर योर एग्जिस्टिंग स्टाफ. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि उनको ग्रोथ नहीं देना चाहिए, इफ दे आर केपेबल एंड इफ दे आर एबल टू डू इट यू शुड गिव देम ग्रोथ, बट इफ दे आर नॉट केपेबल then giving them growth is just setting them up for failure. उनको आप failure के राह पे आप लगा रहे हो. So I think three very important things that we discussed. Number one, tracking हमको बिल्कुल करनी चाहिए. बिना tracking के we will never understand what is happening in our business and that must happen. Number two, we should never be dependent on one person. We should have heads or people responsible for every function or department, so to say. If you are a small organization, we need to grow to have that thing. Because अगर हम एक बंदे पे depend रहेंगे और वो चले गया तो फिर राम भरोसे है आपकी नहीं आप. और तीसरी चीज कि हम जब बढ़ेंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे and we are growing, we should evaluate whether to get a resource from outside to manage or to have the internal resources promoted. Never assume and say ke okay hamare sath ye rahe hain to hum inhi ke sath aage badhenge. It's a good thing, it's a noble thing to do, but if the person is not ready, he's not ready. So that's the meeting output from today's meeting. I shall continue to make this video, these videos, and give it to you. But for that I would want you to like, सब्सक्राइब, अच्छा सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो वीडियो के नीचे है एक बेल आइकॉन होगा, प्लीज क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु टोल्ड मी दैट हमको समझ में नहीं आता आपके वीडियोस कब आए. सो आई वॉन्ट यू टू गेट दिस वीडियो, फ्री है, आपको कुछ करना नहीं है. दिस इज फ्री नॉलेज दैट्स कमिंग योर वे. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज लाइक. If you like the video and you want to say something, then please comment and don't forget to subscribe. Thank you very much. Keep propelling.